Now the fourth property is the distributive property. So here I am writing a generalized formula a by b. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम वो इक्वेशंस लिखते हैं x, सो 5 इज इक्वल टू x प्लस 5, ऐसा कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसका 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 5 इंटू 5 25, तो ये हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव. इसका नाम में इसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हमने 5 को x में और 5 को 5 के साथ. तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो इसका मैंने जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है. सेम यहाँ पर भी मैं एग्जाम्पल्स नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? ये भी आपको आपको वैल्यू आपसे खुद को लेना है ए और बी का, और आपको चेक करना है. सिर्फ मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आएगी, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए इसकी कोई ज़रूरत है नहीं. सो अगर आप एग्जांपल भी करो तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का दोनों का मतलब जो सीनारियो है वो चेक करना, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का करना नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट क्लासेस में भी इसका कोई यूज़ नहीं है, सो हियर आई कैन स्किप इट. सो एडिशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा और सब्सट्रैक्शन के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा. तो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए भी एप्लीकेबल है और सब्सट्रैक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है. तो इन अ सिंगल लाइन आई कैन से दैट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इज एप्लीकेबल ऑन रैशनल नंबर, एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सबमेशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन रैशनल नंबर्स. ओके, नाउ वन वर्ड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं करूँ उसके. नाउ वन वर्ड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड द एडिटिव इनवर्स. तो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? सी इनवर्स, इनवर्स से तो पता चल ही गया होगा, मतलब 2/3 है तो 2/3 का इनवर्स हम करते हैं वो, ठीक है? तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स, जब हमने रेशनल नंबर स्टार्ट किया था तो रेशनल नंबर के डेफिनेशन में आई मेंशन इन द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर दैट P by Q, राइट? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडिटिव इनवर्स, राइट? तो P by Q का ये एक मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 2016 में RRB का एग्ज़ाम था. कौन सा एग्ज़ाम था आई एम नॉट प्रॉपरली रिमेंबर, बट RRB का कोई एग्ज़ाम था, उसमें से ये मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है, और ये हमारी बुक में भी था, तो मेरे नज़र में था थोड़ा, मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था. तो P/Q, तो वहाँ पे था एक मार्क्स का क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द करेक्ट एडिटिव इनवर्स, एंड दूसरा क्वेश्चन था द सिलेक्ट द ऑप्शन था ऑब्जेक्टिव टाइप का. नीचे चार ऑप्शन दिए गए थे, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मतलब ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी थोड़ा एमपी है, तो अभी से मतलब आप कॉन्सेप्ट इसका ले लो. तो P/Q का अगर मुझे एडिटिव इनवर्स करना है, एडिटिव इनवर्स, तो इसका होगा एडिटिव इनवर्स माइनस P/Q. इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, याद ही रखना है सिर्फ P/Q कोई भी नंबर है, ये तो मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा. P/Q का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस P/Q. अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिया है 2/3, तो 2/3 का एडिटिव इनवर्स होगा माइनस 2/3. अगर कोई मेरे पास रैशनल नंबर है -3/4, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +3/4. साइन सिर्फ चेंज करना है P/Q का -P/Q, तो इधर 2/3 का -2/3, इधर -3/4 था, तो इसका एडिटिव इनवर्स हुआ +3/4. तो सेम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और हाँ, एडिटिव इनवर्स में एक और बात रहेगी, एडिटिव इनवर्स
मतलब हमने ऐसे लिख दिया चलो एडिटिव इन्वर्स के भाई माइनस टू बाय थ्री था तो उसका एडिटिव इन्वर्स हमने कर दिया टू बाय थ्री, तो उसका एक कंडीशन है ये, तो मतलब हमको साइन ही चेंज करना था तो मैंने बोल दिया, लेकिन इसका मतलब मैथमेटिकल इन मैथमेटिकल सी जो मैथ्स में कभी ऐसा नहीं होगा कि मतलब इधर मैंने रख दिया तो रख दिया, हर किसी का फुल प्रूफ होगा, हर किसी चीज़ का फुल प्रूफ होगा और विथ रिजल्ट के साथ प्रूफ होगा, ठीक। तो इसका हम सिचुएशन चेक करते, तो मतलब क्या होगा एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स में आपके पास ऑलरेडी जो नंबर्स है उसमें कोई ऐसा नंबर है, एडिटिव मतलब ऐड करना, उसमें कोई एडिटिव इन्वर्स मतलब कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि इसका टोटल रिजल्ट हमें जीरो मिले, तो हियर वी हैव ए माइनस टू बाय थ्री एंड वी हैव टू ऐड एनी नंबर दैट द एंड वी गॉट जीरो, कुछ हमें जीरो चाहिए राइट, तो टू बाई थ्री है तो उसमें कौन सा ऐसा नंबर हम ऐड करेंगे कि हमारा रिजल्टेंट नंबर शुड बी जीरो, तो टू बाई थ्री है तो टू बाई थ्री में एक कोई ऐड करना है माइनस टू बाई थ्री, इस इधर मैं टू बाई थ्री ऐड करूँगा क्या होगा टू बाई थ्री, मतलब माइनस टू बाई थ्री मतलब आपके पास, मतलब सिंपल में कहते तो आपके पास कर्ज है माइनस है, तो सिंपल है माइनस है तो आपके पास कोई कर्ज है, मतलब आपको टू बाई थ्री रुपीज़ किसी को देने हैं ठीक है, और मैंने आपको प्लस किया ठीक है, तो मैंने आपको टू बाई थ्री रुपीज़ दिया तो आप क्या करोगे मेरे से टू बाई थ्री रुपीज़ दोगे और टू बाई थ्री रुपीज़ आपको जिसको देने हैं उसको दोगे तो आपके बाद बच्चा क्या जीरो, तो मतलब ये है माइनस टू बाई थ्री में प्लस टू बाई थ्री अगर मैं ऐड करता हूँ तो माइनस टू बाई थ्री एंड प्लस टू बाई थ्री से रिजल्टेंट हमें मिलेगा जीरो, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिंग इन्वर्स इज इफ वी आर हैविंग अ नंबर और इफ यू आर हैविंग एनी नंबर तो वी हैव टू ऐड द सेम नंबर एंड फॉर वॉट वी हैव टू, मैंने अभी बोला कि वी हैव टू ऐड सम ऐड सेम नंबर फॉर वॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट द रिजल्टेंट नंबर इज जीरो, तो रिजल्टेंट नंबर को जीरो करने के लिए हमको एक ऐसा नंबर ऐड करना है राइट। और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में भी ये है, मतलब सपोज कि आई हैव ए नंबर टू, देखो ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं, मैंने पहले भी बोला था कि ये नंबर रैशनल नंबर है क्योंकि हर किसी के चीज़ में, हर किसी के डिनोमिनेटर में एक तो ऑलवेज होगा ही होगा, तो अभी यहाँ पे मैं दो ले रहा हूँ ठीक है। तो एडिटिव में क्या था कि हमने कुछ ऐड किया था, तो मल्टीप्लीकेटिव में भी कुछ ऐसा ही है, मल्टीप्लीकेट इन्वर्स मतलब यहाँ पे भी कुछ इन्वर्स का ही है ऐसा है, सेम टू सेम है, तो इधर हमें क्या करना है इसका रेसिप्रोकल बोलो या फिर इसका इन्वर्स बोलो दोनों सेम ही होते हैं ठीक है, तो कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारा रिजल्टेंट नंबर वन हो ठीक है, कुछ कोई एक नंबर है सपोज ये, चलो अभी मैंने दो लिए तो अभी इधर मैं तीन ले रहा हूँ, तो कोई एक ऐसा नंबर है उसमें हमें कोई एक उसके साथ हमें कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट हमारा वन हो, तो थ्री के साथ हम क्या करेंगे, थ्री के साथ फोर करेंगे तो ट्वेल्व हो जाएगा, वन बाय फोर करेंगे तो और कुछ हो जाएगा, तो थ्री के साथ और क्या करूँ मैं इधर कुछ ऐसा मैं नंबर लिखूँ कि ये थ्री का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल कर दे, तो फिर इधर मुझे थ्री लिखना पड़ेगा, तो ये थ्री और ये थ्री कैंसिल हो गए, बच्चा एक वन उसको कुछ जाके इधर ले गए, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स। प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज इन एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट एडिटिव इन एडिटिव इन्वर्स यू हैव ए नंबर जनरलाइज फॉर्म में लिखता हूँ कि यू हैव एनी नंबर तो फॉर फाइंडिंग एनी एडिटिव इन्वर्स यू हैव टू ऐड एनी नंबर एंड यू गॉट जीरो, एंड मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में इफ यू हैव एनी नंबर ए तो यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विच विल कैंसलिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड देन द रिजल्टेंट नंबर इज ऑलवेज वन, सो दिस इज द fully concept of additive inverse and multiplicative inverse. Now, तो हमने सारी properties discuss कर ली ठीक है, तो मतलब आपके मन में question होगा कि सर मतलब ये properties एंड वो सब हमने क्यों देखा, तो अब main application उसका अब है rational number, तो आपको सबको number lines पता है, number line हिंदी में बोले तो संख्या रेखा, कुछ ऐसा कुछ होता है उसका बीच में ज़ीरो होता है
और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और हियर ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ये चलेगा अप टू प्लस इनफाइनाइट तक और ये जाएगा टेंस टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये तो सेवन्थ में था तो इससे तो हम सारे अवेयर है, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, तो मतलब उसके एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इस ईयर आई एम टेकिंग ऑल द थियरी पार्ट। सो अब रैशनल नंबर को हमें इधर प्लॉट करना है। सपोज सिंपल मैं अगर बोलूँ कि मतलब नंबर लाइन पे आप मुझे 1, 7, -3 और -5 प्लॉट करके दिखाओ, राइट। तो वी कैन इजीली प्लॉट हियर 1, इधर 1 होगा, हियर 7 समथिंग कुछ होगा, हियर -3 होगा और हियर 5 के समथिंग होगा, राइट। तो अब हमें रैशनल नंबर को प्लॉट करना है। तो हाउ कैन वी प्लॉट द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हाउ कैन वी प्लॉट द रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल, सपोज 2/5, चलो -2/5 लेते हैं, ठीक है। तो इधर तो मतलब पता नहीं चलेगा क्योंकि ऑल मतलब पूरे नंबर से 1, -1, -2, -3, -4, तो 2/5। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि 2/5 है वो कौन से रीजन में। रीजन मतलब क्या, जीरो के बीच में है तो ये एक ये रीजन हुआ, फिर -1 to -2 के बीच में। अभी हमको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि हमको किस कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, फिर कौन से तालुके में जाना है, फिर कौन से गांव में, फिर कौन से सोसाइटी में, फिर कौन सी गली में और फिर कौन से घर में, ठीक है। तो ये सेम प्रोसीजर है। तो पहले हम इसको फाइंड करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, सिंपल 2/5, तो क्या होगा, मतलब 5 को तो डायरेक्टली 2 से नहीं होगा, तो फिर पॉइंट इधर लगाया एक पॉइंट, तो 5 + 20 हुआ 0, 0। तो देखो हमको इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू क्या है 0.4। सी दिस इज द रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो इन P/Q फॉर्म माइनस, तो इस दिस वैल्यू ऑफ दिस इज 0.4 बट साइन इज माइनस, सो वी कैन राइट द -0.4। नाउ वी कैन से दैट 0.4, तो 0.4 कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, तो 0 से -0.4 है हमारे पास -0.4, तो वो कहाँ पे आएगा, इस रीजन में कहीं पे आएगा, ठीक है। तो चलो अब इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, इधर हुआ हमारा 0 -1 और यहाँ पे प्लस होगा, चलो ये प्लस 1 की भी ज़रूरत नहीं, इधर हमने 0 ले लिया, ठीक है। इस पोर्शन को हमने जूम आउट किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास था क्या, -2/5, ये क्या था, डिनोमिनेटर में 5 है तो इसका 5 पार्ट करना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या था, 0.4 माइनस, तो इधर भी मतलब ये माइनस है तो ये भी सारे नंबर माइनस हो गए, राइट। तो 0.4 ये हमारा मिल गया 0.4। तो इस तरीके से हम नंबर लाइंस पे कोई नंबर है जो हमारा रैशनल नंबर है वो हम प्लॉट कर सकते हैं। अगेन मैं बोले इसका मेथड है वो मैं रिपीट करता हूँ कि क्या करना है, कि अगर आपके पास कोई नंबर है, इस बार मैं प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, कोई प्लस नंबर है 5/3, तो पहले आपको क्या करना है, उसका जोन मतलब उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन तो हम डायरेक्ट नहीं मतलब फाइंड कर सकते, तो पहले उसका जोन फाइंड करेंगे। तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 2, राइट। तो 0, 1, 3, 6 = 18, फिर ये 6, 6, 6, 6 कंटिन्यूसली रहेगा, ठीक है, फिर से 18, अब तो 1.6 हुआ, ठीक है। तो अब हमको पता चल जाएगा नंबर लाइन पे 0, 1, 2, तो 1.1 से आगे कुछ है तो मतलब 1 से आगे कुछ होगा, 1. तो 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। फिर इसको हम जूम आउट करेंगे, 5/3 को सारे इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जो वो पहला पार्ट आएगा 1.6 समथिंग आएगा, राइट। मेथड समझना इम्पोर्टेंट है। अब
नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अरे भाई ये क्या आ गया अभी तो, मतलब रैशनल नंबर के भी लाले पड़े हुए थे और रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर मतलब क्या। सपोज के मैं इधर कुछ लिखता हूँ 2/3 और मैं फिर इधर इसको चलो माइनस लेते और फिर सेम लेते +2/3, तो ये दोनों नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे। सपोज मैंने इधर 2 लिखा और इधर 7 लिखा, तो हमको पता है कि 2 और 7 के बीच में कितना आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6। तो सेम एज इट इज माइनस कोई 2 रैशनल नंबर्स p/q एंड +p/q के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट है हमारा रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर राइट, तो वी आर टेकिंग अ एग्जांपल। सो फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, द नंबर्स आर एज फॉलो एज। सो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 2 रैशनल नंबर्स हैं, लाइक अगेन आई एम रिपीटिंग दिस 2 आर रैशनल नंबर बिकॉज दिस आर इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स व्हाट, फ्रैक्शन फॉर्म मीन्स p/q फॉर्म, तो दिस इज ऑल्सो इन q/p फॉर्म एंड दिस वन ऑल्सो इन p/q फॉर्म, तो दे बोथ आर रैशनल नंबर राइट। तो अब हम वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स है राइट। अभी मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिया है इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं, तो एग्जाम्स में अगर पूछा जाए तो इसमें वो कहते फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस 2। राइट नाउ आई एम टेकिंग द नॉर्मलाइज एग्जाम्पल राइट। सो इसके 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि फाइंड सम कॉमन मल्टीपल राइट। अभी इन दोनों के बीच में हमें सोचना है, तो इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करना है, तो फिर पहले कॉमन मल्टीपल फाइंड करना पड़ेगा। क्यों कॉमन मल्टीपल, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर को पहले हमें सेम करना पड़ेगा, दोनों के डिनोमिनेटर को हमको सेम करना पड़ेगा, तो इसलिए फाइंड कॉमन मल्टीपल राइट, कॉमन मल्टीपल। और फिर दूसरा क्या है कि मेक सेम डिनोमिनेटर ये 2 बेसिक स्टेप है ठीक। तो पहला क्या है, फाइंड कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल LCM लसा सीखा था हमने 7th में लास्ट चैप्टर में। तो इन दोनों का अगर मुझे कॉमन मल्टीपल करना है तो फिर 5 और 2, तो 5 और 2 के टेबल में कौन सा ऐसा नंबर आएगा। अभी हम फर्स्ट नंबर ही लेते हैं ठीक है, तो 5 और 2 के टेबल में कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करो जो 2 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो। तो 10 एक ऐसा नंबर है कि 5 2 10 एंड 2 5 10, तो 10 राइट, तो -2/5। तो अभी डिनोमिनेटर क्या बोला है कि मेक सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए तो 5 को 10 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर वाला बोलेगा ना चलो मेरे को भी दो, तो इसको भी चलो हम 2 दे देते हैं राइट। तो हुआ क्या, 4/10 -4/10 -2/5 (2/2), तो हुआ क्या -4/10। अब इसको हमने मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके गिफ्ट किया कि चल मैं तेरी शक्ति है वो डबल कर रहा हूँ, तो फिर ये भी बोलेगा ना अभी मैं तो बहुत छोटू हूँ मेरे को भी चाहिए, तो इसको मतलब मुझे भी इसके बराबर चाहिए ठीक है। तो फिर 1/2 का, तो अब 2 को हमें क्या करना है, देखो मेक सेम डिनोमिनेटर, अगेन मेक सेम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसका हमने 10 कर दिया, तो इसका हमें 10 करना है, तो 2 को 5 से राइट। और सेम ये भी ऊपर वाला भी बोलेगा यार कि मेरे को भी तो 5 दो, इसको भी 5 दिया, चलो तो क्या हुआ 1 5 5 एंड 2 5
टेन। तो यहाँ पे हुआ दो, तो हमारी जो कॉमन मल्टीपल भी फाइंड कर लिया 10, तो ये हमारा था कॉमन मल्टीपल था जो 10 था हमारा, वो टेबल वाली बात की थी वो। और मैं एक सेम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर भी हमने सेम कर दिया, तो सेम डिनोमिनेटर, तो दोनों रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल कर दी। ठीक है, तो इस नंबर को अभी हम इधर लिखते हैं, तो क्या था -4/10 एंड +5/10। तो इन दोनों नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर है वो हमें फाइंड करने हैं। तो इन दोनों नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, तो अभी मैं लिखता हूँ -4/10, इसके आगे क्या होगा, -3/10 होगा। देखो माइनस से प्लस की ओर जाना है, ये डायरेक्शन मैटर करता है, माइनस से प्लस की ओर जाना है। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 4/10, फिर अगला नंबर आएगा क्या, तो -3/10, उसके बाद आएगा -2/10, फिर उसके बाद आएगा -1/10, इसके बाद आएगा 0, फिर जाएंगे प्लस में 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 5/10 तो हमारा था ही। तो कितने रैशनल नंबर हमें मिले, 5/10। इन दोनों के बीच में हमें, देखो ये नंबर वही है 4/10 और 5/10, लेकिन हमने ये दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डोमिनेट कॉमन मल्टीपल फाइंड किया। ठीक है, और मेक सम मेक सेम नॉमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर, तो मतलब ये नंबर, ये हमारा, फिर इस नंबर को भूल जाना है, फिर ये नंबर हमारा बेस नंबर हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमने जो नंबर थे, बीच के नंबर वो सारे, देखो ये सारे रैशनल नंबर हुए, क्योंकि दिस ऑल आर इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, राइट। तो कितने सारे, कितने नंबर्स आए, 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 रैशनल नंबर हमें मिले। अगर यहाँ पे हम, ये तो हमने नंबर फाइंड किया, अगर सिर्फ इतना ही पूछा होता कि -2/5 और 1/2 के बीच में कितने रैशनल नंबर मिलते हैं, तो क्या 8 ही मिलेंगे। अगर ऐसा पूछा होगा कि हाउ मच रैशनल नंबर्स वी गॉट बिटवीन, तो क्या 8 ही मिलेंगे, वो कन्फर्म है 8 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर इधर हमें, हमने ये 10 किया, तो फिर 20 भी तो कर सकते हैं ना हम, 4/20 और 5/20, तो 20 भी कर सकते हैं, तो इससे भी ज़्यादा नंबर मिलेंगे। 30 करेंगे तो इससे भी ज़्यादा, क्योंकि 5 के 10 20, तो 5 के टेबल में भी आएगा और 2 के टेबल में भी आएगा। अब 100 करेंगे तो ये भी इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा, तो क्या होगा, अगर हमने 10 किया था तो 10 पार्ट हुए थे, 100 करेंगे तो छोटे 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 100 पार्ट हो गए, तो मतलब ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो मतलब ये मैटर नहीं करता है कि मतलब अब इसलिए तो हमने कम नंबर मिले, इसलिए तो हमने 10 किया था, आप 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो, 40 कर सकते हो। ठीक है, लेकिन द कॉन्सेप्ट था कि द रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, वो यही था कि ये दोनों, ये मतलब ये ट्रिक है वो आपको याद रखनी है, कि फाइंड कॉमन मल्टीपल, पहले कॉमन मल्टीपल को फाइंड करना है, वो हमारा क्या हुआ, LCM, LCM जैसा ही हुआ हमारा, और फिर मेक सेम डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर को सेम करके आपको रैशनल नंबर के बीच में से रैशनल नंबर है वो मिल जाएंगे। फिर जितने नंबर्स आपको रैशनल नंबर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको डिनोमिनेटर बढ़ाना और कम करना है। तो गाइस फर्स्ट चैप्टर था हमारा NCERT क्लास 8 का रैशनल नंबर्स, उसका प्रॉपर थियोरिकल पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब कल से हम एक्सरसाइजेज करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइजेज करेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।